एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 12.3 ऑफ क्लास 6 एनसीईआरटी एंड क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4. क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन माय प्रीवियस वीडियो. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, इफ इट हैज रेनड 276 mm इन द लास्ट 3 डेज, हाउ मेनी सेंटीमीटर ऑफ रेन विल फॉल इन वन फुल वीक. अज्यूम दैट द रेन कंटिन्यू टू फॉल एट द सेम रेट. ओके, सो जैसा कि आप सब जानते हैं, यूनिटरी मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें वन डे में कितना रेनफॉल हो रहा है उसे फाइंड आउट करेंगे, देन वन फुल वीक मींस 7 डेज में कितना रेनफॉल होगा उसे फाइंड आउट करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. इन लास्ट 3 डेज द रेन फॉल्स इज इक्वल टू 276 mm, देयरफॉर वन डे में कितना रेनफॉल होगा, देयरफॉर इन वन डे द रेन फॉल्स इज इक्वल टू 276 डिवाइडेड बाय 3 व्हिच इज इक्वल टू 92 mm. मतलब वन डे में कितना रेनफॉल हो रहा है, 92 mm. नाउ अब हमें क्या करना है, वन फुल वीक मींस 7 डेज में कितना रेनफॉल होगा उसे फाइंड आउट करना है. देयरफॉर In 7 days, the rain will fall is equal to 92 into 7, which is equal to 644 mm. Okay. Now, according to question, हमें ये value centimeter में find out करनी है. Okay. So, as you know that 1 mm is equal to 1/10. सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर. सो अगर हम 644 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, सो वी शुड डिवाइड दिस बाय 10. 644 डिवाइडेड बाय 10 व्हिच इज इक्वल टू 64.4 सेंटीमीटर. ओके, सो 7 डेज में कितना रेनफॉल होगा, 64.4 सेंटीमीटर. सो क्वेश्चन नंबर 4th इज कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ व्हीट इज ₹91.50. So first we will find out what will be the cost of 8 kg of wheat and then what quantity of wheat can be purchased in ₹183. Okay. So as you know that in the unitary method, हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 8 kg of wheat का हमें cost find out करना है. उसके लिए हम सबसे पहले 1 kg of wheat का cost find out करेंगे, then 8 kg of wheat का क्या cost होगा. Okay. So let's start. Cost of 5 kg of wheat is equal to, यहाँ पे हमें given है ₹91.50. okay, so cost of 1 kg of wheat is equal to, wheat is equal to 91.50 divided by 5 which is equal to ₹18.30. means अगर हम 1 kg of wheat बाय करते हैं तो हमें कितने रुपीस पे करने होंगे, 18.30 रुपीस. ओके, नाउ वी विल फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 8 केजी ऑफ व्हीट. सो कॉस्ट ऑफ 8 केजी ऑफ व्हीट इज इक्वल टू 18.30 इंटू 8 व्हिच इज इक्वल टू ₹146.40. इट मींस अगर हमें 8 केजी ऑफ व्हीट परचेज करने हैं तो वी हैव टू पे 146.40 रुपीस. ओके, नाउ वी विल डिस्कस बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दैट व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट कैन बी परचेज इन रुपीस 183. सो सिमिलरली हम पहले ये फाइंड आउट करेंगे कि रुपीस 1 में हम कितना व्हीट परचेज कर सकते हैं, देन वी विल फाइंड आउट दैट रुपीस 183 में हम कितना व्हीट परचेज कर सकते हैं. ओके, so let's start. Wheat purchased in ₹91.50 is equal to 5 kg. okay, ये हमें question में given है. so हम ₹1 में हम कितना wheat purchase कर सकते हैं, wheat purchased in
रुपीज वन इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 91.50. ओके, नाउ वी विल फाइंड आउट दैट रुपीज 183 में हम कितना वीट परचेज कर सकते हैं. सो वीट परचेज्ड इन रुपीज 183 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 91.50 इंटू 183 विच इज इक्वल टू 10 केजी. सो हम 183 रुपीज में 10 केजी वीट परचेज कर सकते हैं. ओके,